एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नीलम सिंह चैनल और मैं हूं नीलम। तो जैसा कि आज का टाइटल पढ़ के आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूं, क्योंकि आज मैं देने वाली हूं आपके सवालों का जवाब। क्योंकि कुछ लोग मुझे बहुत ही से पूछ रहे हैं कि दी, आप यूट्यूब पे कितने पैसे कमाते हो, आपकी मंथली इनकम क्या है, आप पर मंथ कितने पैसे कमा लेते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पैसा होता है, किसी भी यूट्यूबर को, मेरे ही नहीं किसी भी यूट्यूबर को, इस पर शो करना अलाउड नहीं होता है। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगी कि मैं यूट्यूब से बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाती कि और लोग मेरे पे ही डिपेंड हो जाए या मैं सारे काम यूट्यूब के कर सकती हूँ। क्यों, सभी लोग कितना कमाते हैं बाकी यूट्यूबर, ये मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं सबसे पहले YouTube पे जब मैं आई थी, YouTube चैनल जब मैंने ओपन किया था, तो मैं ये नहीं सोच के मैंने ओपन किया था कि इसके ही पैसे से मैं सारा काम करने वाली हूँ या YouTube से जो पैसे आएंगे इसे मैंने सिर्फ पैसे के लिए, अपने बिजनेस के लिए मैंने ओपन किया था। जी बिल्कुल नहीं, मैंने सबसे पहले सोचा था कि इसको सबसे मेन, इससे मेरी एक पहचान बनेगी और लोग मुझे जानेंगे। क्योंकि यूट्यूब चैनल पर आपको कहीं से भी लोग देख सकते हैं और जो हमारे एक्सपीरियंस है, जो हमारा नॉलेज है, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो ये सोच के मैंने YouTube चैनल खोला था। और फिर भी मैं आपको इतना बताऊंगी कि मेरे इनकम जो है वो 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में ही होते हैं। और ये फिक्स नहीं है मेरे, क्या किसी भी यूट्यूबर के लिए ये फिक्स नहीं है कि उसके पर मंथ इतने ही पैसे आएंगे। किसी के पर मंथ कम भी आ जाते हैं, किसी के ज़्यादा आते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा भी आ जाते हैं। क्योंकि हमारी वीडियोज़ जो है, जितनी वायरल होगी, जितने इसको लोग देखेंगे, जितनी इंप्रूवमेंट होगी वीडियोज़ में, तो पैसे हमारे उतने ही आते हैं। सबसे मेन होता है क्या है कि वीडियोज़ जो हैं वो हमारे वीडियोज़ के पैसे नहीं आते हैं, हमारे वीडियोज़ पर जो ऐड आता है पैसा हमारे उस चीज़ का मिलता है। क्योंकि वीडियोज़ पर ऐड भी होता है, तो ऐड बहुत सारे टाइप के होता है। तो ये होता है कि एक ऐड होता है कि हम उसको आसानी से भगा दें। सबसे पहली बार जब मेरी पेमेंट हुई थी, तो उस समय मेरी 24,000 पेमेंट हुई थी। और ये पेमेंट मुझे एक साल में हुआ था, क्योंकि पहली बार जब YouTube से पेमेंट होता है तो थोड़ा सा लेट लगता है। और YouTube का ये एक रूल है कि 7200 से कम पेमेंट इस पर नहीं होता है। हाँ, ये नहीं है कि पर मंथ आपका जो पेमेंट है वो होगा ही, अगर आपके सब्सक्राइबर कम है, आपकी वीडियोज़ अगर कम इम्प्रूवमेंट कर दी है, तो अगर आपकी वीडियोज़ क्या होता है कि सबसे मेन ये भी होता है कि आपकी वीडियोज़ कहाँ देखी जाती है। कभी कभी होता है कि आउट ऑफ इंडिया अगर आपकी वीडियोस देखी जा रही है, तो जैसे अमेरिका, लंदन, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज में अगर आपके वीडियोस देखे जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि वो आपके पैसे जो है डॉलर है वो ज़्यादा बनते हैं, जो कि हमारे इंडियन रुपीज़ के अनुसार ज़्यादा होते हैं। तो और सबसे मैंने है कि मुझे इंग्लिश आती नहीं, तो मुझे इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं आती, तो मैं हिंदी में ही वीडियोज़ बनाती हूँ। तो सबसे मैंने होता है कि इसमें जो भी इनकम मेरे आते हैं, तो मैंने आपको बताया कि 10,000 से और 30,000 के बीच में ही आते हैं। तो इतना ही इनकम अभी मेरा है, क्योंकि मेरी वीडियोस में बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। हाँ, 21,000 सब्सक्राइबर मेरे इस पे हैं, और मेरा एक और चैनल है नीलम की रेसिपी, उसपे मेरे 34,000 सब्सक्राइबर हैं। तो इसलिए मेरे दोनों वीडियोस हैं, तो मेरे दोनों वीडियोस के मिला के पैसे मेरे ठीक आ जाते हैं। ऐसे आते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी, हाँ कभी 17,000, कभी 20, कभी 22, कभी 25, अभी मेरे जो पेमेंट है अभी इतने ही आते हैं। हाँ, कभी कभी 30 तक भी आते हैं, लेकिन जैसे हुआ कि किसी मंथ बीच में नहीं आता है। और ये मेरी रेगुलर जो मेरा पेमेंट है वो एक साल से स्टार्ट है, एक साल से मेरा जो यूट्यूब चैनल का पेमेंट है वो है। हाँ, कभी कभी होता है कि जैसे यूट्यूब अगर आप बना रहे हैं, दिल से बनाइए और अच्छे से बनाइए, तो पेमेंट इस पर बस आते ही रहता है। और कौन कितना पैसा कमाता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जो इनकम है वो अभी इतने ही है। मैं अभी 30 पार मेरा इनकम अभी नहीं हुआ है, तो मेरी कोशिश है कि बहुत जल्द आप लोगों की सपोर्ट से, क्योंकि मैं यहाँ तक भी आप ही लोग के सपोर्ट से पहुँची हूँ, क्योंकि आप लोग नहीं आए तो कोई भी यूट्यूबर कुछ भी। तो बाकी यूट्यूबर उनके पास कितने पैसे हैं, क्या कमाते हैं, मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि जो मेरे इनकम है, जो मैं कमाती हूँ, उसे मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। और मैं ये पैसों के पीछे इस तरह पागल नहीं हूँ कि मैंने इतने पैसे मेरे यूट्यूब से, बाकी के आते हैं तो मेरे क्यों नहीं आते हैं। हो सकता है किसी और के वीडियोज़ में ज़्यादा
खूबी हो मेरे में उतनी नहीं है, तो और मेरी जो खूबियाँ हैं वो तो आप ही को दिख रहे हैं, तो आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे क्योंकि आप सभी फैमिली हैं हमारी, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें इसी तरह सपोर्ट करें और हम इसी तरह इम्प्रूवमेंट जो हमारे वीडियोज़ की है वो इसी तरह होती रहे और हमारी इनकम जो है बढ़ते रहे, क्योंकि वो सारे आप ही पर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए सबसे अगर हम पैसे कमाते हैं, 10 कमाए, 20 कमाए, 50 कमाए या लाख कमाए, उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है, चाहे मैं हूँ या जितने भी यूट्यूबर हैं उन सभी के। जिस तरह होता है कि सलमान खान भी अगर है तो अगर ऑडियंस उसको देखना बंद कर दे तो वो भी जीरो पर आ जाएगा, क्योंकि सलमान खान को भी सलमान खान हमने ही बनाया। उसी तरह जिस तरह हम हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, उसी तरह हमारा जो है वो ऑडियंस आप हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अगर आप हमारा चैनल देखना बंद कर दो, हमारे वीडियोस को इग्नोर कर दो, तो हमारा जो इनकम है वो जीरो बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो इसी तरह मैं ये आपसे कहूँगी कि आप मुझे ही नहीं हर एक यूट्यूबर को आप सपोर्ट करो और इसी तरह अपना प्यार बनाए रहो। और वीडियो मेरी कैसी लगी आपको ज़रूर कॉमेंट करके बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन हो रहा होगा, कुछ और सवाल उठ रहे होंगे तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं उसके जवाब ज़रूर आपको दूंगी। तो चलिए फिर किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।